आगे आए और मैं आपकी बात भी सुनना चाहूंगा। मेरे अधिकारी आपकी बातों का जवाब भी देंगे और हम इस व्यवस्था को संभालें, ये मैं चाहता हूँ। दो अस्पताल तो विशेष तौर से मैं चाहता हूँ कि IMA संभाल ले, हैंडल कर ले। जो 500-500 बेड के हम पानीपत और हिसार में बना रहे हैं, उनको तो वो अपने तरीके से हैंडल कर ले, वो है। और बाकी जिलों में भी, सब जिलों में, हर जगह पर हम अतिरिक्त कहीं 100 बेड, कहीं 200 बेड हम क्रिएट कर रहे हैं, किसी धर्मशाला में, किसी होटल में, किसी बैंक्वेट हॉल में। हमने कहा जहाँ जगह मिलती है आप वहाँ पर बेड्स लगाइए और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हम मुहैया करा रहे हैं। हमारे सिविल अस्पताल से अटैच्ड होंगे, सिविल अस्पताल से सारा जो सामान है, मेडिसन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जितना हम मुहैया करा सकेंगे हम वो कराएंगे। और जहाँ जहाँ पर वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है उसकी भी हम कर रहे हैं। उसके लिए हमने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से भी 30 डॉक्टर्स की डेपुटेशन की है ताकि हर जिले में हमारे वेंटिलेटर्स भी चलने चाहिए। और ये जो हम हॉस्पिटल क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए भी ऑक्सीजन की अतिरिक्त आवश्यकता को भी हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। रोजाना हम केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो हमें 162 MT ऑक्सीजन अलॉट थी, आज हमें 257 MT ऑक्सीजन मिल रही है। आज बकायदा एयरलिफ्ट करके हम टैंकर्स राउरकेला में भेज रहे हैं। आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस हम चला रहे हैं कि गाड़ी जा रही है, टैंकर्स लेकर जा चुकी है और अब इस वक्त वो वापस आने वाली है, फरीदाबाद में वो गाड़ी उतरने वाली है ताकि हम अपने प्रदेश की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। वो सारे प्रयासों में हम लगे हुए हैं, लेकिन आपका काम तो आप ही कर सकते हो, उसको कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए आपसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस राष्ट्रीय आपदा की घड़ी में आप सब लोग आगे आएं और इस दायित्व का निर्वहन करें। धन्यवाद।